चलिए यहाँ पे सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सस्पेंशन देख चुके हैं, सस्पेंशन क्या होता है देखो, जैसे सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा था तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेगी। अब अपन ने सस्पेंशन डिस्कस किया है तो अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सस्पेंशन में हो क्या रहा था कि हमने एक सॉल्वेंट लिया जैसे कि पानी और उसमें डाला सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या हुआ ना, डिसॉल्व नहीं हुआ, वो नीचे जाके बैठ गया, नीचे जाके बैठ गया। तो उसको बोलते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड हो गए। तो अब हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे ना, ये काफी बड़े थे और उनको आप नॉर्मल आई से भी देख सकते हो। देखो जैसे आपने अगर मान लो नमक पानी बनाया, तो नमक और पानी का जो वो बनेगा मिक्सचर वो होगा सॉल्यूशन, और आपने एक लिया रेत और पानी का मिक्सचर तो वो बनेगा सस्पेंशन। याद रखेंगे, दो एग्जांपल याद रखना है, एक सॉल्ट वाटर का वो सॉल्यूशन बनेगा, एक सैंड वाटर वो सस्पेंशन बनेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, कोशिश करो कि जो आपने नमक पानी का सॉल्यूशन बनाया है अच्छे से डिसॉल्व कर लिया है, एक ग्लास के थ्रू उसमें देखने की कोशिश करो या ऊपर से देखने की कोशिश करो कि आपको सैंड सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं क्या। जो नमक पानी बनाया है उसमें बहुत ध्यान से देखो, आपको पानी पानी दिखेगा ऐसा हर जगह, क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा आपको हर जगह, लेकिन आपको अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखने वाले। अगर आप शायद माइक्रोस्कोप लगाओ कुछ करके देखो तो दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करा, सैंड लिया और उसको पानी में डिसॉल्व किया, तो अब आप नॉर्मल आंखों से भी देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा सैंड के पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है ना, जैसे सैंड के पार्टिकल्स बड़े थे, ठीक है ना, तो अगर बड़े हैं तो नॉर्मल आंखों से यानी नेकेड आई से भी दिख सकते हैं। नेकेड आई का मतलब है कि दूरबीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल आंखों से देख रहे हैं तो दिख जाएगा। नॉर्मल आंखों का मतलब ये नहीं है कि जैसे भाई जिसका चश्मा लगा है वो चश्मा उतार के देखे, वो जिसको चश्मा लगा है वो चश्मा लगा के देखे, वो बिना चश्मे वाला बिना चश्मे के देखे, ना ये मतलब है। पॉइंट नंबर टू क्या लिखा है कि पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, पार्टिकल्स जो है ना इसके अंदर वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे। अब देखो क्यों, देखो मान लो जैसे सस्पेंशन रखा है, अब सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैसे बड़े बड़े, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े बड़े, तो यहां से ये लाइट आई, देखो ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है और उसको बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, तो ये बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, लाइट टकरा के फैल जाएगी, समझ में आ रहा है। मान लो ये लाइट आ रही है, लाइट है, लाइट आ रही है और यहाँ पर बैठे सस्पेंशन के पार्टिकल्स, तो ये लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई और टकरा के ये टकराई, क्योंकि टकराएगी क्योंकि पार्टिकल्स बड़े बड़े ना, वो टकराएगी और फैल जाएगी, टकरा के फैल जाएगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइट के पार्टिकल्स टकरा के फैल जाएंगे, तो लाइट के पार्टिकल्स जो टकरा के फैलते हैं उसको बोलते हैं स्कैटर होना, लाइट के पार्टिकल्स का स्कैटर होना। क्यों फैलना है समझ में आ गया, क्योंकि ये बड़े बड़े पार्टिकल्स है तो ये आई इनसे टक्कर हो गई और ये लाइट के पार्टिकल्स फैल गए। तो पॉइंट नंबर टू समझ में आ गया, पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ये लोग टिंडल इफेक्ट शो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे। और लास्ट पॉइंट ये कि यहाँ पे अपन फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। देखो जैसे आपने नमक पानी का सॉल्यूशन बनाया और यहाँ पे सैंड वाटर का आपने सस्पेंशन बनाया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसको आप सेपरेट करोगे, भाई नमक पानी बना लिया, छन्नी लगा के सेपरेट करो, तो नमक अलग पानी अलग ऐसा तो होता नहीं है। तो सॉल्यूशन में आप फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन अपन ने सैंड वाटर लिया और अब अपनी छन्नी लगाई, तो जब छन्नी लगा के सेपरेट करोगे तो सेपरेट हो जाएगा, रेत रेत अलग हो जाएगी, सैंड अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन से सैंड को अलग पानी को अलग कर सकते हैं, तो फिल्ट्रेशन से यहाँ पे पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में नहीं होता, याद रखना सॉल्यूशन में नहीं होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये टिंडल इफेक्ट दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में तो दिखाते ही नहीं है, ये कंफर्म है। और यहाँ पे अपन ने एक और चीज देखी थी कि पार्टिकल्स के साइज काफी बड़े थे, सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे थे और उनको नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये फोर प्रॉपर्टीज है, नोट कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है, ओके।